सुषमा स्वराज का जीवन परिचय। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 ईस्वी को अंबाला छावनी हरियाणा में हुआ था। एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी के घर हुआ था। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य रहे थे। स्वराज का परिवार मूल रूप से लाहौर के धर्मपुरा क्षेत्र का निवासी थे, जो अब पाकिस्तान में है। अंबाला छावनी में जन्मी सुषमा स्वराज ने एसडी कॉलेज अंबाला छावनी से बीए तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गई। वर्ष 2014 में उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 13 जुलाई 1975 को उनका विवाह स्वराज कौशल के साथ हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथी अधिवक्ता थे। कौशल बाद में 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे और इसके अतिरिक्त वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वराज दंपति की एक पुत्री है बांसुरी, जो लंदन के इनर टेंपल में वकालत कर रही है। इनकी 6 अगस्त 2019 की रात 11 बजे सुषमा स्वराज का दिल्ली में निधन हो गया। सुषमा स्वराज एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और राजनयिक थीं, जिन्होंने 2014 से 2019 तक पहली नरेंद्र मोदी सरकार में भारत की विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह विदेश मंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली दूसरी व्यक्ति थी। इन्होंने 1998 में थोड़े समय के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ और भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। वे वर्ष 2009 में भारत की भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई थी। इस नाते वे भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। इसके पहले भी वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं तथा वे सन 2009 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के 19 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्ष भी रही थी।